नेता भी हैं क्या? हाँ, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी? जी जी। तो आपको अयोध्या कैसी लगी? अच्छी लगी। हाँ, अच्छी लगी। जो अच्छा चीज है तो अच्छा बोला जाएगा भाई। क्या क्या है अयोध्या में, क्या क्या देखा आपने? पूरा देखे हैं, हम तो बराबर आते रहते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी। अमेठी, अमेठी मुख्यालय गौरीगंज, वहीं टिकरिया ग्राम पंचायत है। अच्छा, वहाँ के प्रधान भी हैं। तो ये जो आप अयोध्या, इससे पहले हमेशा अक्सर आते रहे? अक्सर। तो क्या बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव हो गया। पहले तमाम गंदगी रहती थी, इतना साफ सफाई, इतना साफ सज्जा नहीं थी, डेकोरेशन भी बड़ा। इसका आप श्रेय किसको देंगे? अब श्रेय तो भाई किसको देंगे, सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सुप्रीम कोर्ट को देंगे? महीन लाइन खील गया। नहीं भाई, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तो हुआ। अब मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ? सही सही। तो कल्याण सिंह की देन है आज। अगर कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव जी का जो रोल था उस पर क्या कहेंगे? उनका भी उस समय जो शासन शासक थे तो अपना कर्तव्य निभाए हो। हाँ। ऐसा नहीं है, गलत था। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने गोलियां चलवाई। गोलियां उस समय उनका भाई, देखिए शासक है तो उसको दिए तो पूरा यहाँ का जो क्या क्या था, शासक थे लेकिन अब वो उन्होंने त्याग किया, उन्होंने त्याग किया भाई। ये तो हमने आपसे कह दिया ना, कल्याण सिंह की देन है, कोई एक प्रधानी का पद हो नहीं छोड़ना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के उसके आदेश पे मंदिर बना, और ये जो सड़कें बनी, ये डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? इसको तो पूरी जनता ने ट्रस्ट में पैसा नहीं दिया, हम भी दिए हैं। ट्रस्ट सरकार उस समय किसकी थी? जब ये, जब आपने कहा अभी कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट कब, सुप्रीम कोर्ट अभी आया, सुप्रीम कोर्ट कब आया? अभी सुप्रीम कोर्ट एकदम से आया, उससे पहले कहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट? आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? क्या? और उस समय बल्कि जो आंसू गैस से काम हो सकता था, सिर्फ लाठीचार्ज से काम हो सकता था, तो कुछ देर के लिए आंख क्यों बंद कर ली गई? देखिए नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनका एक कर्तव्य था गोली चलवाना। नहीं, गोली चलवाना उनका कर्तव्य तो नहीं था, लेकिन उस समय जब प्रशासन को अपना गाइडलाइन, मतलब शासन की जो वो होती है कर्तव्य, शासक का होता है तो सुरक्षित बनाए रखना, तो उनका कर्तव्य था। उन्होंने पूरी व्यवस्था भंग हो गई थी कि गोलियां चल गई थी, गोलियां चला दी, आंसू गैस से भी काम हो सकता था, लाठीचार्ज से हो सकता था, शासन सख्त कर सकते थे, पर गोली चलवाने की क्या जरूरत थी बताइए? गोली चलवाने की जरूरत क्या? नहीं, नहीं आप क्या था? अब अखिलेश यादव को, आप अखिलेश यादव आएंगे? जी आएंगे तो हैं है? वो तो बोले हैं कि आएंगे दर्शन करने। 22 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं? अब देखिए भाई वो तो उनका निर्णय है, उसे हम क्या कहें, लेकिन जो हमने उनका स्टेटमेंट देखा है वो तो वहाँ भी करेंगे। शिवपाल जी ने कहा है वो आएंगे, पूरे परिवार सहित आएंगे। अभी हम शिवपाल जी से मिल के भी आए हैं, बीच में क्या कह रहे थे? वो आएंगे, आएंगे, हाँ तो आएंगे, आराम, भगवान तो सबके हैं कोई। ये क्या नाम है आपका सर? श्री राम यादव। अच्छा, तो आप जो है आप तो बराबर आते हैं दर्शन के लिए, तो बदलाव आपको लग रहा है? बहुत बदलाव लग रहा है। तो आप इसके लिए कोई श्रेय जो है यहाँ की स्थानीय सरकार को नहीं देना चाहेंगे? कहे नहीं देंगे, सरकार काम कर रही तो देंगे नहीं, कहे जो काम है तो अच्छा सरकार करेगी तो अच्छा काम तो कहा जाएगा।